जिले के मानपुर मुख्यालय में युवक कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष राहुल द्विवेदी के नेतृत्व में स्थानीय बस स्टैंड में उग्र प्रदर्शन किया गया, जहां सैकड़ों किसान आंदोलन का हिस्सा बने स्थानीय बस स्टैंड से युवा कांग्रेस की आक्रोश यात्रा मानपुर विद्युत केंद्र पहुंचकर बिजली ऑफिस को घेर लिया और चेतावनी दी कि अगर 10 दिन के अंदर ट्रांसफार्मर नहीं बदले गए तो आने वाले दिनों में इससे बड़ा उग्र आंदोलन होगा। वहीं इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक अजय सिंह ने कहा कि पूंजीपतियों की हितेशी भाजपा सरकार अब खेती को भी तबाह करने के षड्यंत्र रच रही है, ताकि इसे किसानों से छीनकर उद्योगपतियों को सौंप दिया जाए। शिवराज सरकार जनता को न बिजली दे पा रही है, न ही पानी, न ही डॉक्टर और दवाएं, वही केवल लोगों को लूटने में लगी हुई है। पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस से लेकर हर चीज के दाम दुगने कर दिए गए हैं। महंगाई से जनता त्राही त्राही कर रही है। ऐसी जन विरोधी सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है। उन्होंने कहा है कि यदि जल्द ही जिले में बिजली और ट्रांसफार्मर की समस्या हल नहीं हुई तो कांग्रेस इससे बड़ा आंदोलन करेगी। धरना प्रदर्शन में कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकार पर करारे प्रहार किए। उन्होंने कहा कि 16 सालों के कुशासन का ही नतीजा है कि जनता को आज मूलभूत सुविधाओं के लिए सड़कों पर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। कार्यक्रम को जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश शर्मा, जनपद अध्यक्ष राम किशोर चतुर्वेदी, साथ ही में प्रदेश प्रतिनिधि ओपी द्विवेदी, ब्लॉक अध्यक्ष मनोज सिंह, राहुल द्विवेदी, तिलक राज सिंह, सेवा दल अध्यक्ष संतोष सिंह, युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष ब्रजेंद्र सिंह अब्बू, राम गोपाल दहिया, विजय सिंह और आशुतोष त्रिपाठी, राम प्रकाश पटेल, खालिक अंसारी, बित्तू बेगा और अशोक सिंह, विक्रम सिंह, पंकज गौतम ने भी संबोधित किया एवं तमाम युवक कांग्रेस कार्यकर्ता, किसान, व्यापारी शामिल रहे। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए उमरिया से दीपक वर्मा की रिपोर्ट।